और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि ये कैमरा है और कैमरे में जो एसडी कार्ड है वो यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं कर रहा है, इसमें लिखा हुआ भी आ रहा है सीधे साफ साफ। कहने का मतलब था एक एरर आ गया था। एरर किस तरीके से आया था, जैसे कि आपको बता दूँ, आपने स्क्रीन पर देखा होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये अभी है ऑन। अब मैं जैसे इसे प्ले करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा था तो यहाँ पर एक एरर आ रहा था, ठीक है, एसडी कार्ड को लेकर, ठीक है। अगर दोस्तों आपके भी पास कुछ इस तरीके से एरर आ रहा है जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर इसे ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये नहीं आ रहा है वो एरर, ठीक है। और मैं यहाँ पर जैसे कि कैमरे को चालू भी कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पर या तो अपने जो मेमोरी कार्ड है या तो आप उसे फॉर्मेट कर लीजिएगा। और फॉर्मेट किस तरीके से, आप कैमरा से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सेटिंग्स पे जाकर उसके बाद में आप यहाँ पर ओके करेंगे और आपको यहाँ पर मिल जाता है फॉर्मेट, ठीक है, जैसे कि देख पा रहा है कार्ड। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, दोबारा टच करेंगे और आपको यहाँ पर सिंपली इस आइकन पर टिक करना है और आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो इस तरीके से जो आपका कार्ड है यहाँ पर फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका कैमरे में जो कार्ड पड़ा हुआ है वो सही तरीके से वर्क करने लगेगा, ठीक है। अगर आपको उस तरीके का एरर आया था या फिर आप जब भी कैमरे को ऑन कर रहे हैं तो आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है तब, ठीक है, तो आप इस प्रॉब्लम को इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है। उसके बाद में दूसरा तरीका ये है, अगर आपके पास कोई दूसरा कार्ड है, ठीक है, तो वो कार्ड आप डाल लीजिएगा अपने कैमरे के अंदर, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी मेरा तो मैंने अपने लैपटॉप से ही इसे यहाँ पर फॉर्मेट कर दिया था कार्ड के लिए, ठीक है, क्योंकि जब भी हमारे कार्ड में यहाँ पर एरर वगैरह आ जाते हैं, यानी कि वायरस आ जाते हैं, बन जाते हैं, ठीक है, काफ़ी समय से हम अपने कार्ड को यहाँ पर फॉर्मेट नहीं करते हैं, तब इस वजह से यहाँ पर जो हमारा कार्ड है वो इसमें वायरस के रूप में यहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाद में हमारा कैमरा सपोर्ट नहीं कर पाता है कार्ड के लिए। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 64 GB का यानी कि कार्ड है और यहाँ पर सेकंड की इसकी स्पीड है 170 MB पर सेकंड, यानी कि ये ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये 16 GB का मेरे पास कार्ड है जो कि मुझे कैमरे के साथ मिला था, पर ये कार्ड मैंने यहाँ पर अलग से लिया था, ठीक है, क्योंकि उस समय मेरे पास इतना बजट नहीं था कि मैं अपने कैमरे के साथ ही कोई बड़ा कार्ड ले पाऊँ अपने कैमरे के लिए, ठीक है। तो कैमरे के साथ में ही मुझे मिला था 16 GB का, पर ये उसके बाद मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग से ले लिया था। तो इस तरीके से अगर आपके पास एरर आ रहा है या आपके सामने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है तो आप इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो आप इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।